आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से कामकाज आज होने हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह का चौथा दिन आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। प्रेस और नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 भी शामिल। लोकसभा में 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। सूची में शामिल 2 विधेयकों में से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। आइए सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा में कौन कौन से प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न पी विजय साई रेड्डी का होगा। इनके प्रश्न आउटर हार्बर में क्रूज बर्थ के निर्माण से संबंधित हैं। सांसद जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी हार्बर में क्रूज बर्थ के निर्माण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ 5 साल पहले मंजूरी दी गई थी, किंतु अभी तक ये परियोजना पूरी नहीं की जा सकी है। इसके लिए अनुमानित राशि का 50% भी खर्च नहीं किया जा सका है, इसके क्या कारण हैं? उपरोक्त परियोजना कब तक पूरी होगी? सांसद कामाख्या प्रसाद तासा के प्रश्न युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के मामले में उपलब्ध बुनियादी ढांचा सुविधाएं कम क्यों हैं? आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? सांसद अजीत कुमार भुयान उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि मंत्रालय की भूमिका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार NESIDS के प्रारंभ से अब तक अपूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कर पाए। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार से परियोजना निधि जारी करने के बाद राज्य सरकारें ठेकेदारों को धन जारी करने में बहुत अधिक समय ले रही हैं, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। सांसद एडी सिंह के प्रश्न स्वदेशी आइस ब्रेकर के निर्माण को लेकर हैं। वो जानना चाहते हैं कि सरकार स्वदेशी आइस ब्रेकर के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। क्या भारत आर्कटिक में रूस के साथ वैज्ञानिक आदान प्रदान को फिर से शुरू करने के प्रयास के लिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी का उपयोग करने का इरादा रखता है? सांसद बिनोय विश्वम के प्रश्न पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े हैं। वो जानना चाहते हैं कि मंत्रालय ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक यानी FCA विधेयक 2023 का मसौदा तैयार करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की मदद ली है? अगर ऐसा है तो विधेयक पर प्रदान की गई सेवा के लिए एजेंसियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया? बिल का मसौदा तैयार करने के लिए ऐसी एजेंसी के चयन के लिए मंत्रालय द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए? सांसद अनिल सुखदेव राव बोंडे के प्रश्न पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में वन ग्राम विकास योजना यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है। विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों विशेषकर महाराष्ट्र में संरक्षित क्षेत्रों में वन गांवों की कुल संख्या क्या है और पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित उपयोग किए गए धन का विवरण क्या है। उक्त अवधि के दौरान उन स्थानों में गांवों की प्रगति और विकास की स्थिति और इसके तहत गांवों का विवरण सांसद जानना चाहते हैं। सांसद जेबी माथेर हीशम
श्रम एवं रोजगार से संबंधित अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो प्रश्न के माध्यम से जानना चाहते हैं कि सरकार ने केरल के एर्नाकुलम में ईएसआई अस्पताल के लिए नए भवन का निर्माण शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, पूरे केरल में किराए के भवनों में कितनी ईएसआई डिस्पेंसरियां चल रही हैं, क्या सरकार ने किराए के भवनों में चल रहे औषधालयों के लिए भवन बनाने के उपाय किए हैं, इससे संबंधित विस्तृत ब्यौरा सरकार उपलब्ध करवाए। सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न विदेश मंत्रालय से जुड़े हैं। वो प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि चालू वर्ष और अगले वर्ष में छत्तीसगढ़ सहित देश में नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाने के क्या प्रस्ताव हैं? नागरिकों द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सांसद निरंजन बिशी के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि CAMPA वार्षिक परिचालन योजना APO 2023-24 के तहत ओडिशा राज्य सरकार का 1085.94 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राष्ट्रीय प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें से 272.64 करोड़ रुपए का शेष जारी किया जाना अभी बाकी है। क्या रुपए 272.64 करोड़ की शेष धनराशि के अनुमोदन में देरी का कोई वैध कारण है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ओडिशा राज्य में वनीकरण और वन्य जीव प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा? सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास के प्रश्न देश में शास्त्रीय भाषाओं की स्थिति से संबंधित हैं। वो जानना चाहते हैं कि कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्या है, वर्तमान में प्रत्येक शास्त्रीय भाषा के संबंध में सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या और स्थिति वर्षवार और भाषावार क्या है? सांसद ए रहीम के प्रश्न युवा मामले और खेल से जुड़े हैं। वो जानना चाहते हैं कि एशियाई खेलों के लिए भारतीय फुटबॉल टीम की अयोग्यता के क्या कारण रहे और पिछले 3 वर्षों से हर साल देश भर में फुटबॉल के विकास के लिए सरकार द्वारा कितना बजट खर्च किया जा रहा है? वो ये भी जानना चाहते हैं कि खेल मंत्रालय की नीति के परिणामों का विवरण जो ये निर्धारित करता है कि टीम स्पर्धाओं के लिए केवल उन्हीं खेलों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने एशिया के 54 भाग लेने वाले देशों के बीच 8वीं तक रैंकिंग हासिल की है, क्या इस नीति को निरस्त करने या बदलने की कोई योजना है? सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के प्रश्न श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े हैं। वो प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रालय ने 2014 से वर्तमान तक 1,25,00,000 नौकरियों के सृजन को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन किया है? सांसद ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रालय के पास उन क्षेत्रों और उद्योगों का विस्तृत डेटा और आंकड़े हैं जिनमें इस अवधि के दौरान सबसे अधिक रोजगार सृजन किया गया है? वो जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रालय सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर विचार करते हुए औपचारिक रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने और अनौपचारिक और अनिश्चित कार्य व्यवस्थाओं को हतोत्साहित करने के लिए उपाय कर रहा है? सांसद विवेक के तनख्वाह के प्रश्न भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, दुर्घटना लाभ आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जा रही है? वो ये भी जानना चाहते हैं कि गिग श्रमिकों को असंगठित श्रमिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ताकि वे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के दायरे में आ सकें और उन सामाजिक सुरक्षा लाभों का लाभ उठा सकें जिनसे वो अभी तक वंचित हैं।
सांसद सीवी शनमुगम समुद्र तट से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। उनके प्रश्न तटीय इलाकों में आने वाले चक्रवाती तूफान और उससे प्रभावित लोगों से जुड़े होंगे। वो जानना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान चक्रवाती तूफानों का विवरण और उससे प्रभावित लोगों की संख्या वर्षवार और राज्यवार क्या रही और भविष्य में लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद मस्तान राव बीड़ा के प्रश्न गगनयान मिशन से जुड़े हैं। सांसद स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने वाले गगनयान मिशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। वो अंतरिक्ष में ऐसे अन्य प्रस्तावित मानव युक्त मिशन का विवरण भी जानना चाहते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न होगा जिसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी देंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके जवाब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। विदेश मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर देंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। अंतरिक्ष विभाग से 1 प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 1 प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। और बात कर लेते हैं लोकसभा के भीतर पूछे जाने वाले प्रश्न। सांसद भावना गवली पाटिल पीएम स्वनिधि योजना के तहत धनराशि के वितरण से जुड़ा सवाल पूछेंगी। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित धनराशि की कुल राशि और देश में राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में लाभार्थियों की संख्या कितनी है। साथ ही वो ये भी पूछना चाह रही हैं कि उक्त योजना में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रकार के वित्तीय संस्थान द्वारा वितरित ऋण की कुल राशि और उक्त योजना के तहत सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितनी। सांसद ये भी पूछना चाह रही हैं कि पिछले 5 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकायों यानी कि ULB द्वारा महाराष्ट्र में सड़क विक्रेताओं को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र की कुल संख्या जिलेवार कितनी। क्या सरकार ने देश भर में ULB द्वारा वेंडिंग सर्टिफिकेट या ID कार्ड जारी करने से इनकार करने के मामलों पर ध्यान दिया है। सांसद पूछना चाह रही हैं कि क्या इस संबंध में कोई अपील संबंधी तंत्र मौजूद है। सरकार द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की संख्या और विवरण साझा करें। देश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेब पोर्टल के उपभोक्ताओं के साथ साथ राज्य जिलावर विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्राप्त आवेदनों की संख्या सरकार से वो साझा करने के लिए कहेंगे। सांसद संजय सदाशिव राव मांडलिक जलाशयों की तत्कालीन संग्रहण स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 146 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी करता है। उक्त जलाशयों का आज तक का विवरण और कुल भंडारण क्षमता क्षेत्रवार
साझा करेंगे। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या देश में कुल संग्रहण स्थिति पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6% कम है। भंडारण क्षमता में सुधार, बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों का विवरण भी वो साझा करने की मांग करेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कम वर्षा के कारण दक्षिणी क्षेत्र के 40 जलाशयों का जल स्तर पिछले वर्ष के स्तर से 18% नीचे बना हुआ है, जबकि उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में अधिक वर्षा के कारण काफी सुधार हुआ है। वो इसका ब्यौरा मांगना चाहते हैं और दक्षिण क्षेत्र में समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं वो ये भी जानना चाहते हैं। सांसद संजय हरिभाऊ जाधव रसोई गैस की कीमत में वृद्धि से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या हाल ही में महंगाई कम हुई है, यदि हाँ हुई है तो घरेलू गैस सिलेंडर और पाइप गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण साझा करें। क्या हाल ही में LPG वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतें कम की गई हैं, यदि की गई हैं तो घरेलू सिलेंडर और पाइप गैस की कीमतें कम न करने के कारण साझा करें। घरेलू PNG और CNG ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय क्या हैं, और पिछले 8 वर्षों के दौरान LPG वाणिज्यिक सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर और पाइप गैस की कीमतें कितनी बार बढ़ी हैं, इसका विवरण भी साझा। सांसद सुब्रत पाठक संदूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों से संबंधी प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्नों के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आर्सेनिक, क्लोराइड, लौह लवणता और नाइट्रेट के उच्च स्तर के कारण दूषित पेयजल से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या का जिलेवार विवरण क्या है, और क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, राज्यवार विवरण साझा करें। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार उपरोक्त राज्यों में जल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचय बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उसका विवरण साझा करने का प्रस्ताव रखती है। सांसद संभाजी राव धैर्यशील माने प्राकृतिक गैस की मांग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि क्या भारत की प्राकृतिक गैस की मांग अगले कुछ वर्षों में काफी बढ़ने की संभावना है, जिससे अन्य देशों से गैस आयात का पर्याप्त दबाव पड़ेगा। उठाए गए या किए जा रहे सुधारात्मक उपाय का विवरण भी साझा करने की मांग करें। साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार भारतीय तेल कंपनियां देश से सस्ती गैस हासिल करने के लिए इराक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG टर्मिनल बनाने की कोई योजना बना रही है, विवरण साझा करें। क्या सरकार ने इस संबंध में इराक से कोई समझौता किया है, इसका भी विवरण साझा करें। क्या सरकार ने इराक में द्रवीकरण संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए IOCL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की एक समर्पित टीम इराक भेजी है या भेजने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार अन्य देशों में भी सस्ती ऊर्जा हासिल करने के लिए ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने या LNG टर्मिनल स्थापित करने की योजना बना रही है, विवरण साझा करें। सांसद हैबी ईडन कोची और एर्नाकुलम में NULM परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वो सवाल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि कोची नगर निगम और एर्नाकुलम जिले की नगर पालिकाओं में लागू राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM परियोजना के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या है। साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार के पास क्षेत्रों में NULM परियोजना द्वारा संचालित स्वरोजगार कार्यक्रमों पर डेटा या कोई रिपोर्ट है। शहरी
पथ विक्रेताओं को प्रदान की गई सहायता और कल्याणकारी पहलों का विवरण भी वो साझा करने की मांग करेंगे। चित्र में NULM परियोजना के हिस्से के रूप में शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं को सहायता और कल्याण पहल प्रदान की गई है, वो ये भी जानना चाहते हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोची नगर निगम और एर्नाकुलम जिले की नगर पालिकाओं में NULM के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है, विवरण साझा करें। सांसद दुष्यंत सिंह विमानन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने विमानन के विभिन्न पहलुओं जैसे हवाई यातायात प्रबंधन, यात्री सेवाओं और विमान रखरखाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। क्या सरकार ने परिचालन दक्षता में सुधार के लिए विमानन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग का को प्रोत्साहित करने की कोई पहल की है? सांसद NK प्रेमचंद्रन रसोई गैस हेतु राज्य सहायता बहाल किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार का घरेलू रसोई गैस पर सब्सिडी बहाल करने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी हस्तांतरित न करने के कारण तेल कंपनियों के पास लंबित कुल राशि प्रदान कर सकती है, विवरण साझा। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार का गरीबों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले गरीब उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है, अगर है तो विवरण साझा करें। क्या सरकार रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू रसोई गैस पर लगाए गए कर को कम करने का प्रस्ताव रख सकती है? क्या सरकार घरेलू रसोई गैस की कीमत कम करने का प्रस्ताव रखती है, विवरण साझा करें। सांसद डॉक्टर TR पारिवेंदर मेकेदातु बांध के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण की प्रक्रिया पर है, और यदि ऐसा है तो क्या मंत्रालय ने इसके लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है? क्या केंद्र सरकार को कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदातु बांध के चल रहे निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने और कदम उठाने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है? सांसद थॉमस चाजी कार्डन राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए NHVAR क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं, वो उन कदमों की जानकारी चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या केरल में NH पर काम तय समय पर पूरा हो गया है, आज तक पूर्ण प्रगतिरत और लंबित कार्यों का विवरण NHVAR साझा करें। क्या सरकार ने NH पर काम की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है? उक्त अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा केरल में निर्मित या पुनर्निर्मित NH का विवरण साझा करें। उक्त अवधि के दौरान केरल में NH के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत पर वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है, और क्या राज्य में NH परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को किसी बाधा का सामना करना पड़ा? सांसद राजीव रंजन ललन सिंह नदियों को परस्पर जोड़े जाने के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नदियों को जोड़ने के प्रस्तावों और परियोजनाओं का विवरण क्या है, और उनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से शारदा गंगा और केन बेतवा परियोजनाओं का विवरण क्या है। साथ ही वो जानना चाह रहे हैं कि सरकार की नदियों को जोड़ने की पहल के तहत शुरू से ही किया गया बजटीय आवंटन और राज्यवार अब तक धन का वास्तविक उपयोग का विवरण क्या है।
क्या विभिन्न विवादों विशेषकर कई नदियों पर अंतर्राज्यीय विवादों के कारण नदियों को जोड़ने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? नदी जोड़ो परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और रेणुका किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है? तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के जवाब में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है या की जाने का कोई प्रस्ताव है? सांसद सुनीता दुग्गल अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूजल उपयोग की दक्षता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो पूछेंगी कि क्या सिरसा संसदीय क्षेत्र में कृषि में भूजल उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए अटल भूजल योजना के तहत कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं, विवरण साझा करें। क्या सिरसा संसदीय क्षेत्र में घग्गर नदी के प्रदूषण के कारण बिगड़ी भूजल गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या जांच के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है, विवरण साझा करें। वो ये भी जानना चाह रही हैं कि क्या उपरोक्त योजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से सिरसा संसदीय क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भी कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सांसद तापिर गांव हरित राजमार्ग के संबंध में प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों NH के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी मांगेंगे। साथ ही देश में हरित राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का विवरण साझा करने के लिए भी कहेंगे। साथ ही साल 2004 से 2013 के बीच उत्तर पूर्वी राज्यों में निर्मित NH की कुल लंबाई और 2014 के बाद से निर्मित NH की कुल लंबाई से जुड़ी अन्य जानकारियां भी वो मांगी। सांसद धनुष M. कुमार कचरे अपशिष्ट और जल मल निकासी के प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि SBMU 2.0 के तहत राज्यों द्वारा आवंटित और उपयोग किए गए धन के साथ कचरा मुक्त शहरों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं। सांसद मनोज कुमार तिवारी अमृत के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य और वर्षवार विवरण क्या है। साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय के तहत हेरिटेज शहरों के रूप में वर्गीकृत शहरों कस्बों के लिए आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण राज्य और वर्षवार क्या है। क्या सरकार ने पिछले 3 वर्षों में अमृत के तहत चल रही परियोजनाओं का नियमित वार्षिक त्रैमासिक समीक्षा अध्ययन किया है, राज्य एवं वर्षवार रिपोर्ट का विवरण साझा करें। सांसद कल्याण बनर्जी उड़ानों में देरी से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि 2019 से 30 जून 2023 तक टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान 30 मिनट से अधिक की देरी वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का विवरण क्या है, जिसमें टेक ऑफ के बाद हवाई अड्डे पर वापसी भी शामिल। साथ ही तकनीकी रखरखाव और अन्य उद्देश्यों के कारण देरी के मामलों की संख्या भी साझा करने की वो मांग करेंगे। देश में विमानों के रखरखाव, उड़ान आराम के समय और समय समय पर जांच के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नियम और देश में विमानों के निर्धारित समय से अधिक उड़ान पर प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है। उड़ान के समय के बीच विमानों के अनियमित रखरखाव और तकनीकी जांच न होने की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, वो ये भी जानना चाहते हैं अपने प्रश्न के माध्यम से। सांसद विद्युत वरन महतो भारी वर्षा का जल विद्युत संयंत्रों पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
वो जानना चाह रहे हैं कि क्या देश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश के कारण गाद जमा होने से जल विद्युत संयंत्रों का परिचालन बाधित हुआ है। अगर ऐसा है तो विवरण साझा करें। साथ ही क्या भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जल विद्युत परियोजनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद पड़ी हैं। इन जल विद्युत संयंत्रों के संचालन न होने से सरकार को होने वाली राजस्व हानि की मात्रा जल विद्युत संयंत्र वार विवरण साझा करने के लिए मंत्रालय से कहने वाले। क्या सरकार ने मूसलाधार बारिश से प्रभावित जल विद्युत संयंत्रों की स्थिति पर नजर रखने के लिए कोई केंद्रीय टीम भेजी है, विवरण साझा करें। क्या सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के प्रमुखों को परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी कोई निर्देश जारी किया है? उक्त जल विद्युत संयंत्रों के कब तक पूर्ण रूप से चालू होने की संभावना है, वो ये भी जानना चाहते हैं। सांसद ए गणेश मूर्ति एलपीजी के मूल्य में वृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद एलपीजी की खुदरा कीमत समय समय पर बढ़ने के क्या कारण है? क्या एलपीजी की कीमत में समय समय पर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के तहत सब्सिडी घटक बढ़ाए जाने की संभावना है, विवरण साझा करें। देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान जमा मुक्त प्रदान किए गए एलपीजी कनेक्शंस की राज्यवार संख्या अब तक देश में पीएमयूवाई चरण 2 के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शंस की कुल संख्या कितनी है? सांसद नरेंद्र कुमार सड़क नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे अपने सवाल के माध्यम से देश में सड़क नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण, राज्य और योजनावार और आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण जानना चाह रहे। साथ ही वो देश में राज्य राजमार्गों SH को राष्ट्रीय राजमार्ग NH में बदलने के मानदंड और पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान और झारखंड के आकांक्षी जिलों विशेषकर पलामू और गढ़वा में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण भी जानना चाह रहे हैं। राजस्थान में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण और उक्त अवधि के दौरान झारखंड में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की जानकारी भी वो चाह रहे हैं। सांसद भरत राम मार्गनी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु उपाय से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो प्रश्न के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए अधिक पारदर्शिता लाते हुए क्रॉस सब्सिडी को कम करने के लिए उपाय करने का प्रस्ताव रखती है, संबंधित विवरण साझा करें। क्या सरकार एक ऐसी प्रणाली को अपनाने की जाँच करने का प्रस्ताव रखती है जिसमें आधार टैरिफ सभी श्रेणियों के लिए आपूर्ति की औसत लागत हो, विवरण साझा करें। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देने वाले। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इनका उत्तर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 5 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रश्न का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह की ओर से दिया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत मंत्रालय से पूछे जाने हैं। प्रश्नों के उत्तर विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह की ओर से दिए जाएंगे। वही 3 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी की ओर से दिए जाएंगे। लोकसभा में अन्य विधेयकों की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2021
लगते ही द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। आइए आपको बताते हैं विधेयकों के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस क्या हैं। प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने से संबंधित ये बिल है। प्रबंधन में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करने के लिए इन संस्थानों को सशक्त बनाना इस बिल का उद्देश्य है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहता है। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले विधेयक कौन कौन से हैं उन पर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में करेंगे। विधेयक के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाना है। द बिल फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 विधानसभा से संबंधित संविधान के प्रावधानों के अनुरूप करने के लिए है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद और उससे जुड़े आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया। भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 क केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण जैसे राष्ट्रपति संसद सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी विदेशी राजनयिक मिशन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं। और इसके अलावा अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली का आधिकारिक दौरा करते हैं और देश के राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन और शासन में उच्चतम संभव मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरा विधेयक है अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। ये बिल विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में करेंगे। रक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सेना कर्मी जिनको वायुसेना अधिनियम 1950 सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 लागू होता है जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए अपने कमान के अधीन सेवा कर रहे या उससे जुड़े हुए के संबंध में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को सशक्त बनाने वाला विधेयक और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों पर विचार किया जाएगा। द बिल टू एम्पावर द कमांडर इन चीफ फॉर द ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस पर्सनल हु आर सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट 1950 द आर्मी एक्ट 1950 एंड द नेवी एक्ट 1957। वर्तमान में वायुसेना और सेना और नौसेना के सेवा कर्मी वायुसेना अधिनियम 1950 सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 सेवा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। द
प्रस्तावित विधेयक अनिवार्य रूप से एक सक्षम कानून होगा जो अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को वायुसेना सेना और वायुसेना के नियमित सभी कर्मियों और अन्य केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बलों के व्यक्तियों पर जो अंतर सेवा संगठन में सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं पर संबंधित अधिनियमों का संशोधन बिना प्रभावी आदेश नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने में समर्थ करता है। अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठन गठित करने के लिए सशक्त बनाता है। और अब देखते हैं राज्यसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध विधेयक कौन कौन से हैं। उसमें विधेयक अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाना है। बिल टू अमेंड द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 अधिनियम भारत के खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया था। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अधिनियम के प्रावधान 15 जनवरी 2010 से लागू हुए। प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा निजी क्षेत्र को केवल नीलामी के माध्यम से उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान करना है। केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित किए गए खनिज संबंधी क्षेत्रों में सरकार या सरकारी कंपनी या फिर निगम को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना परिचालन अधिकार प्रदान करने का प्रावधान करना है। अब बात राज्यसभा में विचार तथा पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों की। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 है। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन होना है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों यानी कि ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात करें तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से क्राउन को लेटर पेटेंट से भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में न्यायिक प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता के अनुरूप विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। सुधार के विषय पर अखिल भारतीय बार समिति और विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू किया गया था। दलाल से संबंधित मामले को छोड़कर सभी पहलू जो कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 में निपटाए गए हैं वो पहले से ही अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कवर किए गए हैं। सभी अप्रचलित कानूनों या स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं भारत सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने और इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। तीसरा विधेयक है प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 का। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 अधिनियम प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों के विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि इस अधिनियम में 1870 और 1983 के बीच कई बार संशोधन किए गए, लेकिन ये प्रक्रियात्मक रूप से बोझिल और जटिल बना रहा। वर्तमान में स्वतंत्र प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। स्वतंत्रता पूर्व का ये पुरातन कानून वर्तमान मीडिया परिदृश्य के अनुरूप नहीं है। प्रस्तावित विधेयक मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखने और व्यापार करने में आसानी की भावना पर आधारित है। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।